ऐसा न हो कि किसी एक व्यक्ति के कारण आपका अगला पूरा कल्प बेकार हो रहा हो। बात तो स्पष्ट है ना? एक माँ अपने बच्चे के कारण कुछ नहीं कर पा रही, बच्चा तो छोड़ के चल देगा लात मार के, लेकिन माँ ने पूरा संगम युग बेकार कर लिया है। मैं माताओं का उदाहरण दे रहा हूं, ये बात सबकी है। पूरा संगम बेकार कर लिया, माना अगला कल्प बेकार हुआ, इसका मार्ग निकालना है। कोई साथ न दे, नहीं देंगे साथ। सत्य को साथ देने वाले संसार में कलयुग में नहीं होते। सत्य का युग सतयुग है, कलयुग पाप का युग है, सत्य का युग है। यहाँ सत्य के मार्ग में रोड़े हैं, कांटे हैं। सत्य अकेला हो जाता है, सत्य की कोई सुनता नहीं। ब्राह्मणों में भी सत्य की कोई नहीं सुनेगा, जो तेतराठ है उनकी सब सुनेंगे। ये है, मैं खुला बोल देता हूं, है या नहीं? उस सत्य को अकेले ही चलना है, सत्य को बाबा के बल पर चलना है, सत्य को याद रखना है। सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते। काले बादल छट जाएंगे, सत्य का सूर्य उदय हो जाएगा। ये किसने कहा था? माताओं को बता, किसने कहा था ये? ये भगवान के महावाक्य हैं। ओम शांति भवन के बहुत सुंदर पावर। सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सत्य में शक्ति है स्वयं ही सिद्ध होने की। पर सत्य को सहन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा सिद्ध होने में, टाइम लगेगा, ये हमें मानना पड़ेगा। ये नहीं आज हम सत्य हैं और कल वो सिद्ध हो जाएगा। 5 साल लग सकते हैं आपको, 5 साल अपनी स्थिति को सत्य पर आधारित रखते हुए पावरफुल बनाना होगा। जहां सत्य डगमग हो जाता है, ध्यान से समझिए, हम सत्य हैं, लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमने स्थिति बिगाड़ ली, तो हमारा सत्य निर्बल हो गया, वो सत्य सत्य नहीं रहा। इसलिए सत्य से लोगों का विश्वास हटता है कि सत्य की कोई नहीं सुनता। भगवान ने तो कह दिया, जिधर सत्य है उधर मैं हूं। परंतु यह अनुभूति तब होगी जब हम सत्य की शक्ति में अचल अडोल रहेंगे। तब स्थिति हिला दी तो बाबा का साथ नहीं।